बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम भैन भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला असं ठीक ठाक हाँ। तो दुआ करने कि तमाम भैन भाई जिते भी होंगे ठीक ठाक होंगे तो खैर आफियत नाल होंगे। तो अज मेरे बच्चों ने बेवकत फरमाइश कर दी है कि असी बनवाने ने मूली वाले पराठे। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, देखो सूरज जो है ना वो काफ़ी थले जा चुके हैं। बाकी असी आए हैं बाहर, मैं क्या चल तू ना मूलियाँ जो है ना वो देख के देने हैं। नाले मालिका ने भी कहा कि मूलियाँ देखो अगर बेचना कोई थोड़िया बहुत वड़िया हुई ने या कुछ है ने उन्होंने बिचों काढ़ के दे दो, तो भी देखने के बेच हैगिया ने भी या नहीं। बाकी ये भी देखने कि अपने वास्ते भी कोई दो तीन मिल जाए तो चल बच्चों के पराठे हो जाएंगे। आजा भी लावल देखिए, बाकी जो माशाला सरसों के फुल ने ना किन्ने प्यारे निकल आए ने ते किन्ने ही सोहने लग रहे ने। हाँ जी ये दो तीन बूटे लाए हुए ने बीज वास्ते, आ देखो बीज निकल रहा उत्ते बकाया उस साइड ते लगे ने, मैं तुहानू दिखावांगा सरसों। हाँ जी कोई दो तीन लभ जाणगीआं जी। ते मूलियां जो ने ना वो मैं थोड़ियां जिहियां पट लईआं ने तीन चार, ते बाकी हुण मैं क्या नाल ना धनिया पट लवीए ते नाल धनिया पट रहे हां थोड़ा बहुता क्योंकि इहनां विच पाउणा हुंदा। माशाल्लाह धनिया वैसे प्यारा बहुत है। हाँ जी वाढ के आपां नूं सब्जी दे नाल ही देना पएगा क्योंकि ना इन्ने सारे नूं आपां ते की करना। हाँ जी सब्जी नाल दे दिता बकाया आ लसन काफ़ी हूँ वड्डा होना शुरू हो गया माशाल्लाह। आ देखो चौकी वगैरह असं कर दी सी सुहा हूँ असं घर इकट्ठी कर रहे हैं कुछ पा दी। आ देखो सुहा विच पाण नाल ना ये होर भी ग्रोथ ज़्यादा करता है काफ़ी है। ते अबू मूलियां अबू की कर रहे ने मूलियां नू इतनी मूलियां नू की करना है ये घर वास्ते पटदा पे वो बस करो इधर रह गया ने आ भी ने बस करो बकाया माशाल्लाह मधुमक्खियां देखो रस इकट्ठा कर रही ने अपने छत्ते वास्ते क्योंकि मौसम आ रहा है ते ना छत्ते वगैरह जड़े ने ना बनाने ने काफ़ी सारिया ने बिच लेकिन फिलहाल नज़र नहीं आ रही। बकाया तुसी माशाल्लाह देख सकते हो कि फसल कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह सरसों दी। ते बस ये भी मुकम्मल हो गई है बीज वगैरह कढ़ रही है, जो बीज वगैरह निकल आया ना फिर इन तेल वगैरह ना सरसों का निकलना शुरू हो जाएगा तो निकाश्त कर देवे शायद ये असी वढ़ीए क्योंकि ज़्यादा मेहनत मजदूरी असी इत्थे मतलब ज़्यादातर असी करते हैं होर इन्ने कोई नहीं ने। ते बकाया शायद साढ़े मतलब हिस्से में आए तो असी वढ़ लीए तो कि घर का खर्चा बन जाएगा। तो बकाया ये इन ज़्यादा पट तो लिया जे हूँ इन्हों का करना की है बकाया इस इरादे आए इतने कि असी मूलियां जाके पुट के ना देने मालकां नूं ते उन्दे कुछ सानू विचों पैसे मिल जाएंगे मेहनत मजदूरी लेकिन वो मूलियां अजे तक बहुत छोटियां छोटियां ने वढ़ना शुरू भी कर दिता। पकाया कुछ नाल दाने भी फट लेने ते आ देखो माशाल्लाह मकई जड़ी है वो भी जड़ी है ना पक गई है सारी मतलब पक तो पहले ही गई सी सूख गई है। हाँ जी वही सूख गई है तो माशाल्लाह मेरे ख्याल है किन्ने किले आंदी है ए 4-5 किले आंदी तो होनी है काफी मुनाफा निकल आएगा 5-6 किले आंदी है मुनाफा रेट है सवारी कह रहे ने क्या काम में मैं सवा 3 5-6 किले आंदी तो होनी है
ਸਾਡੇ 50 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਥੋਂ ਨਾ ਖਾਲਾ ਬਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਐਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ पानी पैंदा रहा ना मजदूरी तो काम देंदे ने लेकिन चल कोई लकड़ियां वगैरह बन जांदियां ने कोई सानू सब्जी का फायदा हो जांदा है बस ए फिर बंदा ठंड बहुत बन रही है चलिए लालच बना ले मैं तो कुछ पाया भी नहीं उत्ते नहीं तो ले जांदे नाले ते ले जानी है ना तन्नी जो किसे करनी है अब मोटियां मोटियां तो ले चलो ना आ धनिया फड़ो चल तू बिलावल फिर लेके आ जा कपड़ा धनिया फड़ो ना मैं लेके आ जाऊंगा हेलो ठीक है चलो ते मोड़ियां जो ने ना वो असि लेके आ गए हां माशाल्लाह देखो ते हुन इनां नूं पका लिए या पराठे बनाने ने पराठे बनाने चलो ठीक है असी ये ना हूँ पराठे बनाने क्योंकि बच्चों ने ना जिद कर ली है कि असी पराठे ही बनवाने ने तो फिर दो तीन जो ने वो सवेरे बना लाँगे इन्हों लैने दो ते कपड़े जो ने ना वो असी ਸਾਰੇ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੁੱਪ ਕੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰੇਬਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਬਕਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਮੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏਗੀ ਪਰੌਂਠੇ ਮਤਲਬ ਪਰੌਂਠੇ ਵਗੈਰਾ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਬਗੈਰ ਸਾਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਲਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ ਆ ਜਾਓ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਬਗੈਰ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਧੇ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼